वेलकम टू विभा स्वाद रसोई। मैं हूं आपकी होस्ट विभा और आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस दाल मखनी रेसिपी, जो कि छोटों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आती है, साथ ही बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए हमने ली है 150 ग्राम काली उड़द की दाल, आप चाहें तो साबुत उड़द भी ले सकते हैं। साथ में 3 चम्मच राजमा लिया है मैंने, इसे 4-5 घंटे सोख किया था, ये अच्छे से भीग गई है, इसका पानी निकाल दिया है। तो अब हम इसे बॉईल करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें ये दाल पहले पकानी होती है, तो इसे हम कुकर में ट्रांसफर करेंगे। लगभग 300 ग्राम पानी हम यहाँ डाल रहे हैं, पानी आप अपनी मर्जी से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं या नहीं, तो इसे हम गैस पर रख देते हैं। साथ ही हम देख लेते हैं मसाले। ये 4 टमाटर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने साथ में पीस लिया है। फ्रेश क्रीम ली है 2 बड़ा चम्मच, गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। 2 बड़े चम्मच बटर लिया है, आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं इसे। धनिया की पत्ती ली है हमने ढेर सारी। इसके साथ कुछ ये मसाले लिए हैं हमने, 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, भुना हुआ जीरा 1 छोटा चम्मच, साबुत जीरा 1 छोटा चम्मच। इसके साथ में हमने लिया है दालचीनी पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच और गरम मसाला 1 छोटा चम्मच। 6-7 लहसुन की कलियां छोटे टुकड़ों में काट के ली। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच घी और 2 चम्मच ऑयल डाल के रख दिया है, इसे गरम कर लिया है। घी डालने से दाल मखनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने घी यूज किया है। जीरे चटकने के बाद ये हमने इसमें लहसुन डाल दिया था, इसको भी भुन जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो ये लहसुन भुन गए, इन्हें भुनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो अब इसमें ये सारे मसाले हम डाल देंगे, धनिया पाउडर, भुना जीरा, नमक, सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो ये मैंने टमाटर डाल दिया है, टमाटर और अदरक का पेस्ट। इसको अब अच्छी तरह से भूनेंगे। तो इसे ठीक से भून लेते हैं हम, बिल्कुल उतना भूनना है कि इसका तेल अलग होने लग जाए। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी मैंने डाल दी है। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। ये मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। आप देखिए, इसमें तेल बिल्कुल अलग हो रहा है, अच्छा भुन गया है, दाल बिल्कुल अच्छे से उबल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मैश हो रही है। तो मसाला भुन चुका है, अब इसमें हम ये दाल ट्रांसफर करेंगे और इसको थोड़ी देर तक भून लेंगे। दाल मखनी बनाना बहुत ही आसान होता है, इसे हम फटाफट बना सकते हैं, बस बाद में इसे थोड़ी देर और बॉईल करना होता है। तो ये दाल मैंने इसमें डाल दी है, इसे थोड़ा सा चलाएंगे, फ्लेम हाई रखी हुई है क्योंकि अभी तो हम मसाला भून रहे हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। पानी इसमें काफी कम है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें अभी इसको बहुत देर तक बॉईल भी करना है। तो हम इसमें पानी डाल देते हैं। इसमें बॉईल आने लग गया है, अब मैंने इसमें 1 बड़ा कप पानी डाला है। अभी भी ये थोड़ा थिक लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे क्योंकि अभी जब ये बॉईल होगी तो इसका काफी पानी सूख जाएगा। तो हम थोड़ा पानी और ऐड कर देते हैं इसमें। ये मैंने और पानी डाल दिया है। ये देखिए, अभी आपको ये बहुत ज्यादा थिक नहीं लग रही है, पर अभी जब हम इसको बॉईल करेंगे 20 से 25 मिनट तक, ये बिल्कुल अच्छी सी दाल बनके तैयार होगी। तो अब बारी आ गई है बटर की, अब हम इसमें बटर डाल देंगे और बटर डाल के हम इसे बॉईल करेंगे 20 मिनट तक कम से कम। तो 20 मिनट तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने देंगे, अच्छे से पकने देंगे।
जितनी ज्यादा देर बटर डाल के हम पकाते हैं उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। तो हम इसे अच्छे से पकाएंगे 20 मिनट तक। और ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे सर्व करने के लिए निकाल लिया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश किया है, साथ में फ्रेश क्रीम डाला है। और आप इसका टेक्सचर देखें, इसका कलर देखें, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। इसका टेस्ट तो वैसे ही लाजवाब होता है और छोटों से लेके बड़ों तक सबको ये पसंद ही आता है। तो आप भी बनाइए ऐसे ही दाल मखनी और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय।